फैमिली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग इस राजति व्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई है और आज है छठ महापर्व। छठ का आप कह सकते हो तीसरा दिन और संध्या घाट जो होती है वो है आज। और इसमें हम लोग ना सबसे पहले सुबह सुबह मतलब घर में थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के हम सारी महिलाएं मिलके बनाते हैं ठेकुआ, जो कि हम लोगों के डाल पे डालर के जो छठ के वो होते हैं ना डाला उन पे पड़ते हैं, तो उसके जो डाल वाले जो होते हैं उसके लिए मम्मी देसी घी के मतलब के ठेकुआ बनाते हैं और वो अपने से जो व्रती होते हैं ना वो बनाते हैं। तो यहाँ मम्मी है व्रती और मम्मी का तीन दिन का आज तीसरा दिन है फास्ट का, दूसरा दिन है फास्ट का। कल तो मम्मी ने खरना का किया था तो दूसरा दिन है आज मम्मी का नीरा जली का फास्ट है। और फास्ट रहते हुए सारी पूजा पाठ करने हैं, सारे रिचुअल्स को पूरा सही तरीके से करने हैं। तो यहाँ पे देखो हम सब महिलाएँ मिल के बना रहे हैं ठेकुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, इसमें सब कोई हाथ लगाते हैं तभी ये इतना बड़ा मतलब पर्व जो है वो मिलके ही पॉसिबल हो पाता है। ये अकेले के बस की बात नहीं है, यहाँ जब इतने सारे लोग होते ना तब ये खुशी खुशी और अच्छे से बहुत ही प्यार भरा त्यौहार जो होता है वो निभ पाता है, ऐसे नहीं हो पाता। तो अभी देखिए हम मम्मी भाभी कोमल सभी लोग मिलके बना रहे ठेकुआ और इस ठेकुआ के जितने भी में जितने लोग जो होते ना जितने लोगों को पुण्य कमाना है वो इस ठेकुआ को बनाने में अपना सहयोग देते हैं। तो बस अभी फटाफट हम लोग तीनों चारों लोग जुटे हुए हैं तो ये बनाने में, और उसके बाद क्या क्या करते हैं सारे व्लॉग आपको दिखाते हैं। तो चलो बने रहना मेरे व्लॉग में। तो ऊपर जो ठेकुआ होता है ना वो पूजा वाला वो बन गया है, पहले मैं एक मिनट कैमरा साफ कर लूँ। सो ऊपर का ठेकुआ बन चुका है और अब जो बांटने वाटने वाला होता है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए क्या होता है मम्मी ना हलवाई को रख लेती हैं, जो बांटने वाला बनना होता है वो फिर वो बनाते हैं। तो ऊपर जो पूजा के डाला वाला बनता है वो बन चुका है और अभी देखो यहाँ मैं बस उनके हलवाई भैया की हेल्प ही करा रही हूँ, गुड़ पिघला रहे हैं। देखो वो पिघल जाएगा ना तो वो उसका जो ठेकुआ का आटा होता है ना वो लगा लेंगे। और इधर बस अभी तो यही सब चल रहा है, उसके बाद ऊपर डालर उलर की तैयारी होगी तो चलो देखेंगे कि कैसे क्या होता है, सब शेयर करेंगे। और अभी तो अभी अजीत भी आने वाले हैं तो मैं अपने पतिदेव से दो तीन दिन मतलब काफ़ी दिनों के बाद मिलूँगी, 5-6 दिन होंगे तो वो करेंगे। तो फटाफट अभी इसको पिघला के इनको दे देते हैं और फिर दे, अरे ये देखो ये हैं इन्हीं के काम कर रहे हैं हम। और ये अब इनका काम करने में दीदा नहीं लगता है, इनका तो लगता है उनका नहीं लगता उनका ये बेचारे तो काम कर 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 दुखी हो के रो रो के भाभी एक अध्याय हो गया भाभी का एक अध्याय हो चुका है अभी ये। अब देखो दिन भर में मम्मी कितनी अध्याय सो फैमिली इधर देखो मम्मी और भाभी और हम सब कोई मिल मिलकर डालर्स तैयार कर रहे हैं। जब ये तैयार हो जाता है ना तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया, ये सबसे बड़ा काम है जो मिलके याद कर करके सारे डाला को तैयार किया जाता है। तो चलो देखते हैं कि डाला कैसे तैयार हो रहा है। गाइस कुछ लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, एकदम बेशरम बेलज्जे, इतने सारे काम होने के बाद हम लोगों की हालत देखो, सुबह कितने सुंदर लग रहे थे और अभी कैसे लग रहे हैं और फिर अगेन और सुंदर लग रहे हैं। हाँ नहा धो के करिए कपड़े पहन ले तो सुंदर लग रहा है। हाँ तो गाइस देखो डालर छठ का डाला तैयार हो रहा है आज। आज तो सब कोई अपना अपना डिपार्टमेंट संभाला, मैं खड़ी हूँ, मुझे डालर अंदर रखना है, दीदी दिया बना रही है, मम्मी और भाभी डालर सजा रही है। जय छठी भैया, और पहली बार दीदी ने किया उपवास छठी मैया का, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती गई, हमको जुए पड़ गए लगता
हाँ दीदी की बहनी, चलो ऐसा मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार। और देखो मैंने छत का कुछ ऐसा लुक रखा है जो कि मैं पहनने वाली थी। सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मैं पहनने वाली थी ये सारी चीज़ें करवा चौथ में, तो करवा चौथ का तो पूरा हुआ नहीं। और मैंने ना बाल कल गूंथ के बनाया था ना, तो कुछ ऐसा क्रिम्प जैसा हो गया। मेरी सीधी मांग तो कभी नहीं निकलती, जितने लोगों के निकाल लें उसकी भी नहीं निकल ली। तो बस अब हम जा रहे हैं ऊपर पूजा, मतलब कि मम्मी पानी में जाके घाट पे जाके खड़ी हो चुकी है। बस अब फटाफट चलते ऊपर और दिखाते हैं छठी मैया की पूजा। तो जय छठी मैया। आए हैं इनके पास, आज जल्दी आए हैं, पहली बार आए, जल्दी फोटो खींच लो। मम्मी भी आई है, इनका ब्लॉग आप पूरा देखा करें, मैं भी देखता हूँ टाइम निकाल के कभी कभी। अभी रखेंगे, सॉरी ये सब डालो आगे इसी के ऊपर, एक एक दिया जलाओ, दिया बना रखा होगा एक थाली में। तही लागलिया की देरवा भाजो रे मनवा नैहर में आईली न छठी माता भाजो रे मनवा बाजिन को पुत्र देली अमर बाना के आईली ओतही लागलिया की देरवा भाजो रे सो फैमिली। अब इधर मम्मी ने अर्घ देना शुरू किए हैं, और अर्घ तब दिया जाता है जब सूर्य डूबने लगता है। एक बार सूर्य डूबते की पूजा होती है, फिर उसके बाद और सुबह जो होती है सूरज उगने की पूजा होती है, जब वो उगता है धीरे धीरे, जब दर्शन उनके हो जाते तब, और जब ये ढलने लगता है तब। तो ये आज ढलने वाले सूर्य की पूजा हो रही है। जैसे जैसे वो ढलेंगे तो मम्मी ने जितने भी डालर लगाए हुए हैं सबके नाम का होता है, मतलब कि जितने भी परिवार में हैं या किसी ने मानता मानी है वो वैसे, और मानता भी मानी जाती है इसमें। कहते हैं छठी माता में बड़ी ही ज़्यादा शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि उनसे मांगी हुई चीज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले। तो कहाँ कहाँ से, मतलब मेरे परिवार में भी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सच में एक कुछ कुछ लोगों को तो इतनी जल्दी ये, मतलब कि भगवान छठी मैया उनके दुख को इतनी जल्दी हर लेती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस वही इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जान सकता है जिनको ये पता होगा छठ पूजा के बारे में। वरना तो बहुत लोगों को लगता होगा अरे भगवान तो भगवान ही होते, सब में शक्ति होती है। लेकिन हाँ, भगवान तो भगवान होते हैं, सब में शक्ति भी होती है, लेकिन छठी माता में एक अपार शक्ति हम लोगों को, एक तो श्रद्धा भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा है उनके तरफ, और हम लोगों को पता है कि इनकी क्या महत्व है। सभी भगवान के अपनी अपनी जगह पे अपना अपना महत्व होता है, लेकिन छठी माता का अपना ही एक महत्व है। जो मांगा गया मैंने तो जो भी मांगा है मुझे मिला है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने, मतलब मम्मी के व्रत करते करते मैं देखा है कि कितने लोग आए हैं जब मम्मी ने छठ व्रत शुरू किया था, और कितने लोग हर साल बढ़ जाते हैं, आते हैं, वो ये बताते हैं कि उन्होंने पिछले साल ही माना हुआ था और इस साल ही पूरा हो गया। तो सब श्रद्धा के ऊपर है। तो इधर यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं हमारे घर के, बड़े हैं और भी बहुत सारे लोग, मम्मी कम से कम 21 मतलब कि डालर तैयार करती हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे होते हैं वो तैयार होते हैं, मतलब कि और भी प्रसाद आते हैं, उन सब का वो लगाती हैं। मम्मी मेरी 2 से 2.5-3 घंटे तक ये जल पे खड़ी ही रहती हैं। अब की बार वैसे उतनी ठंड तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ फिर भी
जितना भी है एक जो मतलब कि कहते हैं ना कि कोई भी नीरा जली व्रत रहता है वो ऐसे ही मूर्छित हो जाता है, लेकिन मेरी मम्मी में भी छठी माता ने इतनी शक्ति दे रखी है कि वो मतलब उनके चेहरे से आपको लगेगा नहीं, इतना नीरा जली व्रत होने के बावजूद वो अपने से उधर साइड के जितने भी गीत होते हैं गाते हैं। और इधर देखो साक्षी भी आई हुई थी, साक्षी ने अर्घ दिया, हनु बच्चे मतलब बच्चे बच्चे में मेरे इस पूजा को लेके बहुत श्रद्धा है। सभी के परिवार भी आते हैं, दोनों भाभियों के भी परिवार आते हैं और बहुत सारे लोग। तो इधर मैं ना सबको नाक से सिंदूर लगाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे खुद तो लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जितने लोग आते हैं ना उनको भी हम लोग लगाती हैं। तो बस अभी वही मतलब वो कर रही थी मैं, सबको मैंने सिंदूर लगा दिया, बच्चों को टीका लगा दिया, जितने जेंट्स हैं उनको भी टीका लगा दिया। और बस अब मैं अर्घ दिलवाऊंगी मम्मी को और आगे आगे आप लोग देखते रहो और कमेंट में बहुत प्यारा सा छठी जय छठी मैया ज़रूर लिखना और मनोकामना मांगना। जितने लोग भी मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी कोई मनोकामना हो तो प्लीज़ 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 आप लोग पूजा मतलब इस पूजा को देख के भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, छठी मैया आप सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। सो फैमिली इधर कुछ लोगों ने अर्घ दे दिया था, अब थी हमारे और मेरे पति देव की बारी। तो पति देव आज ही सुबह आए थे क्योंकि मतलब थोड़े से बिजी थे इस वजह से आ नहीं पाए, लेकिन मैंने कहा था कि छठ में ज़रूर आना तो वो आए थे। और अब हम देंगे अर्घ और देखो हम लोगों का सुबह मम्मी अर्घ दे रही हैं और ऐसे देते हैं ना कि पहले मतलब हाथ में एपाइन लगाते हैं और फिर सिंदूर लगाने के बाद ये अर्घ दिया जाता है। मम्मी मेरी सारी चीज़ों को जानती हैं, सारी दुख तकलीफ और जितनी भी परेशानियों से मैं अभी घिरी हूँ उन सब चीज़ों को पूरे अवगत है मम्मी, तो उन्होंने मेरा नाम लेके कर लिया। और देखो इस तरीके की भी मानता मान के लोग आते हैं, तो ये मेरी भाभी हैं और इन्होंने मानता मानी थी, मेरी ताई जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उसलिए मानता मानी थी कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो छठी माता मतलब छठी माता को ऐसे मतलब कहते हैं ना कि ऐसे लेट लेट के आने को क्या कहते हैं मुझे ये नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए ये वर्ड मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से वो घुटनों के बल माँ छठी माता के पास आई हैं। तो इधर देखो मतलब कि ये पता है अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो तब कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनको बहुत ज़्यादा फीवर था, लेकिन इतनी श्रद्धा है और उनको पता है कि छठी माता में कि इतनी ताकत है कि वो उनकी तबीयत को भी ठीक कर देगी और उनकी मनोकामना को तो पूरी किया ही है। गाइस बीच में ना लाइट मेरे यहाँ नहीं आ रही थी तो मैं अभी एडिटिंग कर रही थी तो लाइट आ गई, तो रिद्धि बहुत ज़ोरों से चिल्लाई ना तो मैंने थोड़ा सा रुक के बोला है। तो वो आने के बाद उनके नाम का भी अर्घ मम्मी ने तैयार कर रखा था, फिर उनका भी अर्घ दिया गया है। और इस तरीके से हम सभी मिलके पहले अर्घ देंगे और फिर जितने आगे की चीज़ें हैं रीति रिवाज हैं वो सब आपको दिखाएंगे। और एक एक अर्घ देने के बाद ना मतलब मम्मी को ऐसे पूरे नाक से मतलब कि सिंदूर उंदूर हाथ में लगाते, नाक से नहीं लगाते हाथ से लगाते, और फिर जितने लोगों को जो जो अर्घ देते हैं फिर कहते हैं पाँव छू के आशीर्वाद लेना चाहिए क्योंकि छठी मैया जो भी छठ करते हैं उनके साक्षात उनके आसपास ही होती हैं और उनका ढेर सारा आशीर्वाद ले लो तो इसलिए उनका पैर जरूर छूना चाहिए। तो आप लोग भी सच में बता रही हूँ, आप लोग भी करते रहो छठी मैया का मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है मतलब तो आप लोग अपनी मनोकामना को मांग सकते हो।
आप लोग देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी मतलब मेरे यहाँ छठ पूजा में आए हैं, सच बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आस पड़ोस लोग के, मम्मी के आस पड़ोस के लोग भी जानते हैं ना, तो वो लोग भी आते हैं मतलब कि छठ करने के लिए, इतनी मतलब की मान्यता है छठी माता की। तो बस मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ क्योंकि भाभी को कुछ कुछ काम था, तो ये सिंदूर और आईपल लगाने का, तो इस तरीके से, और जो आते हैं वो भी आईपल लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। तो ये भी मेरी मामी है, तो ये भी आई थी, ये भी बहुत दूर से आई है, और आप गौर से इनको देखिएगा, इनके कमर पे बेल्ट लगी हुई है, मतलब कमर से मतलब इनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी मतलब भक्ति में ज़रा सा भी वो नहीं कि उनको दिक्कत है, तकलीफ़ है। और इधर देखो दीदी भी आ गई है, तो दीदी बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब कि उसको हम लोग साड़ी में बहुत कम देखते ना, तो जब देखते तो बहुत अच्छा लगता, दीदी भी बहुत प्यारी लग रही थी, और सभी लोग जितने लोग भी वहाँ थे सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो आप लोगों को कौन कौन अच्छा लग रहा है, मेरी मम्मी कैसी लग रही हैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी मम्मी तो जब भी छठी माता की व्रत रहती ना, तो ऐसे सच में लगता है कि साक्षात छठी मैया के ही दर्शन हो रहे हैं, और तो इसलिए आप लोग बताना कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, कि सच में मेरी मम्मी इतनी क्यूट, इतनी प्यारी से, इतनी सुंदर से लगती हैं कि कुछ हद नहीं। तो अभी वही चल रहा है, अब बस इस तरीके से सभी लोग अर्घ देंगे और सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, और फिर आप लोग देखते रहो, और जो जो आगे होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। महत्व की बात हो रही थी, तो मैंने कहा एक बार और आपको एक चीज़ और दिखा दें कि ये जो अभी पीले कुर्ते में और पीली साड़ी में है ना, ये मेरी भाभी, बड़ी भाभी की मौसेरी बहन है, और इनकी बेटी पिछले साल आई थी, और जो भैया भी गए हैं ना कुर्ते में, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, और उनकी बेटी एकदम हताश थी, और वो आई थी मानता माना उन्होंने छठी माता का, और मतलब कि वो मतलब कहीं बाहर रहती हैं, और इस साल मतलब उनके पापा इतने अच्छे हो गए कि वो अपने पैरों से चल के छठी माता के दर्शन करने आए, और उनका विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपनी एक डाल सजाई और छठी मैया को जैसे अर्पित किया जाता है वैसे किया उन्होंने। तो इतनी ज़्यादा मतलब आप लोग समझ लो, इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, अगर सच्चे दिल से आपने जो मांगा है वो सब पूरा होता है। मैं तो कहते ना कि इतनी ज़्यादा मतलब श्रद्धा रखती हूँ इस व्रत में, मतलब इससे ज़्यादा मैं मतलब कि अब मतलब कहना हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन मैं इससे ज़्यादा किसी मतलब व्रत में इतनी शायद श्रद्धा नहीं रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रखती नहीं हूँ, मैं रखती हूँ, लेकिन एक अटूट विश्वास कहते हैं ना, जिस चीज़ में हो जाता है वही आपको सही लगता है, वही आपको मतलब कि पॉजिटिव वाइब देता है, बस छठ माता में यही है। मैं भी बहुत ज़्यादा पैर से परेशान रहती हूँ, मैं चलना फिरना मेरे बॉडी से दिन पे दिन ऐसे ख़त्म सा होता जाता है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना करूँ। और मैं बताऊँ, जब से आई थी मैं, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज मतलब कि एक दिन पहले छठ माता का मुझे जब शॉपिंग करनी थी और उनकी तैयारियां करनी थी, उस दिन से लेके अभी जब तक मैं घर नहीं आ गई हूँ अभी तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा जैसे सारी चीज़ें छूमंतर हो गई है, मतलब कि क्या ही हो गया, मतलब कि एकदम जैसे लगा कि कुछ मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी ही नहीं, ऐसा लग रहा था। लेकिन तो बस यही श्रद्धा आप भी दिखाना, और सच्चे मन से जय छठी मैया कमेंट में ज़रूर लिखना, और मांग लो जितनी मानता मानी है गाइस। और चलो देखते रहो कि ये डॉलर होता है, सबसे बड़ा डॉलर जो होता है ये सबसे लास्ट में किया जाता है, तो वही अभी भाई, दोनों भाई मिलके कर रहे हैं।
ये मतलब घर के लोग ही सब कोई करते हैं मिलजुल के, तो इधर दोनों भाई ने और चाचा के लड़के ने सब ने मिल के ये डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होता है ना गाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो मतलब कि सब कोई सपोर्ट करके ही करते हैं। और ये देखो मम्मी निकल रही हैं अब मतलब कि घाट से, तो कहते हैं कि जैसे निकले ना आप उनका पैर छू के आशीर्वाद लो, बहुत पीक टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो यहाँ पर सारे लोग मिल के इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, और चलो दिखाते हैं और क्या क्या हो रहा है। फैमिली आशीर्वाद आशीर्वाद का समारोह पूरा हुआ, और इधर मम्मी अब जाएंगी चेंज करने के लिए, थोड़ी देर में ही मम्मी जाएंगी चेंज करने के लिए। तो इधर मैंने भांगड़े में डांस करते हुए, और सभी लोगों इतने लोग रहे थे कि आशीर्वाद लेने में और देने में ही घंटों लग जाए, तो इधर बस अभी मम्मी अभी भी आशीर्वाद दे ही रही हैं, और मैं ढोल ताशे में अपना डांस भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हर ओकेज़न में ना डांस वांस करना बहुत पसंद है। तो इधर ढोल ताशा इसलिए बजा क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं आनी चाहिए। और इधर देखो चल रही है मम्मी आशीर्वाद लेने, जैसे ही बाहर निकलती हैं सभी लोग इतने ढेर सारे आशीर्वाद लेते हैं, और ढोल ताशा डबल साउंड डबल तेज़ी में बजता है। और इधर देखो मैंने कहा एक बार तो मैं भी अपने आप को दिखा दूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे बहुत सारे रील्स, मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स आए हुए हैं, उसको भी आप लोग देखना। और इधर मम्मी मौसी से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, क्योंकि मौसी जो है वो बिहार वाली जो मेरी मौसी उनके यहाँ गई हैं। और ये देखो ये होता है चंदवा, मतलब कि हाथी जिनके यहाँ रखा जाता है मनोकामना पूर्ण की, वो उसके लिए ये इस तरीके से किया जाता है चंदवा तनाना, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता है। तो वो सारे लड़के मिलके करते हैं ये, उसमें गन्ने को चार पांच गन्ने को स्टैंड ऐसे लगाया जाता है, खड़ा किया जाता है, और उसके नीचे मिट्टी की हाथी जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हाथी लेने गए थे, तो ऐसे रख के दिया बाती सब अच्छे से किया जाता है, वो बहुत सुंदर लगता है गाइस। तो ये भी अभी आपको दिखाएंगे कि कितना प्यारा लगता है। फिर उसके बाद होता है हवन, और उसके बाद ही ये शाम का अर्घ्य पूरा होता है, ये कंप्लीट होता है। जब तक ये नहीं होता फिर हवन नहीं होता, सभी लोग जितने लोग होते सब हवन करते हैं, तो तभी ये चीज़ पूरा होता है। इधर देखो दीदी की भाभी की बहन भी आ गई थी, वो लोग भी कर रही थी हवन, और मम्मी उसके बाद ये सारी चीज़ें जो
मतलब जेल डाल रही थी, तो वो मम्मी कर रही थी चारों तरफ से बिना धारी हटाए जेल डाला जाता है और हवन के आसपास भी ये किया जाता है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली हम लोगों का साजिया घाट जो है वो हो गया है और अब मतलब अब खाना पीना और मारना पीटना रहेगा, तो इसको मारेंगे पीटेंगे और हम लोग ढेर सारे का खाएंगे पिएंगे और नाश्ता तो कर चुके हैं। नाश्ता तो ये कर चुकी है, हमने नहीं किया है, बस मम्मी आपने किया है नाश्ता, ये गाइस को बता रहे मम्मी कह रही किसको बता रहे गाइस तो मम्मी कह दीजिए चैनल लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो भैया मम्मी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है इसमें पता नहीं क्या हो रहा है जीजी कहो चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो अरे गजब मम्मी कह रही है पता नहीं क्या हो रहा तो बोलो चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो तुम्हारी तरह थोड़ी है चैनल आप देख रहे हैं जिसमें कि मैं जो कि मैं पूरा हॉलीवुड छोड़ के आया हूं या तो इस चैनल को आप लोग जो है हम रेगुलर देखें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब की कई बटन होगी कोने में बाल बाल अब तो हो गया कल्याण मेरा देखो इतने व्यूअर्स आए मेरे घर के इतने ही लोग हमारे वीडियोस को देखते